तो दोस्तों कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पेज़ैप के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप पेज़ैप का जो वॉलेट होता है उसको बनाकर जो है अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है बैंक अकाउंट तक बिल्कुल फ्री में जो है आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट तो आज जब मैंने देखा तो मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे, जो यूजर है वो कह रहे थे कि पेज़ैप जो है ट्रिक बंद हो चुकी है और पेज़ैप से अब आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बल्कि आप लोगों को लाइव करके दिखाया था। ठीक है, और दूसरी बात कमेंट कर रहे थे कि भाई पेज़ैप ऐप जो है बंद हो गया है और दूसरा पेज़ैप से अगर मैं कोई कर रहा है ना तो उसको चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दोबारा से करके दिखा दूंगा। अगर आप लोगों ने कुछ डाउट आप लोगों के मन में रह गए होंगे, कोई क्लियरिटी नहीं हुई है, तो आज दोबारा से आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अभी भी जो ये ट्रिक है काम कर रही है, आपके पास मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो डाउट्स आप लोगों के हैं, आपके मन में जो डाउट है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैंने आपको करके नहीं दिखाया, तो लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। दोबारा से आप यहां पे चेकआउट कर लेना, जो भी मन में दिक्कत है डाउट है वो क्लियर कर लेना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, डिसलाइक मत किया करो भाई, इससे क्या होता है बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो मैं कभी भी आप लोगों को जो है ऐसी गलत न्यूज नहीं दूंगा जिससे आप लोगों को कोई नुकसान हो, तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रोसेस करके दिखा दूं दोबारा से लाइव। तो गाइस यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने, पेज़ैप खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वॉलेट में चेक करा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जीरो बैलेंस है, कोई भी बैलेंस इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसके अंदर बैलेंस ऐड कर लेता हूँ। नॉर्मली आपको प्लस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको वही 100 रुपये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ गया है यूजिंग पेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है मैं आपको वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको पहले यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चूज कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दो क्रेडिट कार्ड ऐड है यहाँ पे, एक तो HDFC का रुपए क्रेडिट कार्ड है बेसिकली, और एक एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है। ठीक है ना, जो फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलता है एक्सिस बैंक का, वो क्रेडिट कार्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये भी कोई इशू नहीं है कि मास्टर कार्ड होना चाहिए या फिर रुपए ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो मास्टर हो, वीजा हो, कोई भी हो, सब चलेगा, ये वीजा क्रेडिट कार्ड है, ये रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सपोज करो मैं आपको पहले इससे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कार्ड सेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैं पे पे क्लिक करूंगा उसके बाद जो है मेरे फोन पे एक OTP आएगा और मैं यहाँ पे पेमेंट जो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं OTP जा चुका है, मैं जल्दी से OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कैसे OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अब मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख पाएंगे पेमेंट जो है सक्सेसफुली जो है मेरे वॉलेट के अंदर ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये टिक लग रहा है। ओके, टिक लग चुका है यानी कन्फर्म हो चुके हैं व्यू होम। ठीक है, तो होम पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 रुपये अभी अभी जस्ट मैंने ऐड किया है। अब इस पैसे को आप कैसे निकाल लोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपकी लिमिट कितनी है। यहाँ पे जैसे KYC स्टेटस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 आप इस वॉलेट के अंदर वन टाइम में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, जब 10,000 रुपये आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने 100 रुपये करके दिखाई आपको, तो ऐसे आप जब 10,000 इसके अंदर ऐड करोगे तो आपको ये निकालने कैसे हैं उसका भी तरीका क्या है, आपको रिचार्ज वाले सेक्शन पे यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो जैसे आप रिचार्ज वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फास्ट ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फास्ट ट्रैक में आपके पास बाइक गाड़ी कुछ भी हो उसी का फास्ट ट्रैक आपको ले लेना होगा। फास्ट ट्रैक काफी काम आता है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया तो जरूर से बनवा लेना। ठीक है, ये काफी काम आता है, इसके जरिए आप काफी जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत अलग अलग ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको इसके जरिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया, रिचार्ज पे क्लिक किया, मैंने रिचार्ज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी आप जो है महीने में इसको जो है मैक्सिमम जो है 10,000 इसके अंदर वॉलेट में ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अपना 100 रुपया है तो यहाँ पे मैं 100 रुपया यहाँ पे डाल देता हूँ और रिचार्ज पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद जो मेरा जो रिचार्ज है उसे पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ से रिचार्ज करना है, तो सीधा डायरेक्ट वॉलेट खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस प्रीपेड वॉलेट 100 रुपीज। ठीक है, तो यहीं से मुझे इसको रिचार्ज करना है, तो चलिए मैं इसको स्वाइप कर देता हूँ यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए, स्वाइप टू पे पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो पेमेंट है यहाँ पे जा रही है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे ऊपर मैसेज भी आ गया कि प्रोसेसिंग पेमेंट डन। ठीक है, तो पेमेंट जो है यहाँ से डन हो चुकी है, फास्टैग मेरा रिचार्ज हो चुका है। तो मैं आपको फोन की स्क्रीन पे अपना जो मेरा फास्टैग है वो भी आपको वहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेटीएम की हिस्ट्री पे लेके चला जाता हूँ, जो बैलेंस हिस्ट्री होती है बेसिकली। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मनी ऐड हुई है पेटीएम वॉलेट में 100 रुपीज। अभी 9:31 पर टूडे का टाइम आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आप टैप करोगे यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखा देगा कि आपका कितना बैलेंस आया है, किस टाइम पे आया है। ठीक है, और क्लोज बैलेंस कितना है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, तो टोटल आपको बैलेंस भी आपको चेकआउट मैं करा देता हूँ यहाँ पे पेटीएम वॉलेट के अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 832 रुपये है। ठीक है, फास्टैग के अंदर 250 रुपये है
और फ्यूल वॉलेट के अंदर मेरा 282 रुपया, ठीक है, और पेटीएम वॉलेट के अंदर मेरा कितना है 300 रुपया, तो टोटल मेरा बन रहा है 832 रुपये। आपने यहाँ पे देख लिया सक्सेसफुली जो पेमेंट है मेरे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट भी करा दिया, ट्रांजेक्शन अभी रिसेंटली ट्रांजेक्शन हुई है 100 रुपीज़ की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये कल की डेट के 200 वाली जो मैंने कल वीडियो बनाया था तब आपको दिखाया था। तो गाइस मैंने आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखा दिया, अभी मैंने 100 रुपये सिर्फ ऐड किया था क्योंकि मेरे को काम नहीं करना था, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी। तो 100 रुपये से लेके आप 10,000 रुपये तक का यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो एक ही बारी में, ठीक है। और अपना फास्टैग का रिचार्ज मतलब फास्टैग जरूर से बनवा लेना, अगर आपके पास बाइक है या फिर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी है तो आपके पास एक फास्टैग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है काफी ट्रिकों के जरिए जो है आराम से निकाल सकते हो बिना किसी चार्ज के। तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज भी नहीं लगेगा, क्योंकि काफी बंदे बोल रहे थे कि चार्ज लग रहा है, तो चार्ज भी नहीं लगा, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और वर्किंग और ट्रिक भी वर्किंग है, ये भी आप लोगों ने देख लिया, वर्क भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई चार्ज लग रहा है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है मैं काफी सारे ऑफर्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।